तो आ चुके हैं हम लास्ट डे रूल के एक रेड वीडियो में। तो गाइस देखो ऐसी बात है, ये वीडियो मेरी पुरानी थी तो मैं इसे डालने की सोच रहा था, तो चलो मैं इसे डाल दूंगा। एक दो दिन में शायद ये आ जाएगी। आज 22 तारीख है, शायद 23 को आ जाए या फिर 22 को ही मैं अपलोड कर दूँ। तो गाइस तो इस रेड वीडियो को एंजॉय करना, ये मेरी पुरानी वीडियो थी मेरे लीजेंड के साथ। तो ये हमारा पीटर, क्रेजी, आरकाल, विनोद सब है यहाँ पर। और देखो भीड़ लगी हुई है बंदों की, तो अच्छा है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो क्रेजी कैसे नाच के दिखा रहा है। और गाइज अगर आप फ्री फायर भी अच्छा लगता है तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि मेरी ये आईडी बैन हो चुकी है, आईडी बैन नहीं हुई है, डिवाइस बैन हो गया है। तो जब तक मेरा नया डिवाइस नहीं आता जब तक हम खेल नहीं सकते। तो देखो सब कैसे भीड़ जमा कर रखी सबने और सब इमोट दिखाने में बिजी हो रहे हैं। तो चलो अब रेड की वीडियो की तरफ चलते हैं। ग्लाइडर से तेल निकालते हैं और डालते हैं इसके अंदर हेलीकॉप्टर में। तो चलो ड्राइव करते हैं और काल को भी ले लेंगे। तो काल का चैनल भी रिस्की काल, आप जानते ही होंगे शायद। तो चलो नीचे चलते हैं और इसे लेते हैं। और यहाँ पर नेक्सस भी है जो अपनी दूसरी आईडी से आता रहता है, इसकी कोई फिक्स आईडी नहीं है, तीन चार आईडी है इसके पास, इसका मन करता है उस आईडी से आ जाता है। अच्छा है तो चलो नीचे चलते हैं। अगर गाइज आप में से कोई ज़्यादा अमीर हो और मुझे 10-12 हज़ार रुपये दे सकता है तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलो चलते हैं रेड की तरफ। और एक बेस गाइस छोटा सा था, वो रेड हो चुका था और नीचे से कोई फायरिंग कर रहा था। हम मैंने रोकी नहीं, तो नूने इसलिए नहीं रोकी क्योंकि हमारे पास लूट बहुत घनी थी। तो सामने एक बेस था जो रेड हो चुका था, मतलब कि रेड हो चुका था रेड टाइम से पहले, समझ रहे हो ना, मतलब कि 72 आर से पहले। तो ये बेस अभी टूटा नहीं और यहाँ पर देखो 70 आर हो रहे हैं। तो चलो इसे तोड़ते हैं, शायद 2 ऑयल बॉम्ब काफ़ी होंगे इसके टीसी को ब्रेक करने के लिए। तो चलो देखते हैं। हाँ तो चलो 2 ऑयल बॉम्ब लगाते हैं और चलते हैं यहाँ से। और देखोगा ये टूट गया कंप्लीट, 5 पॉइंट और सही लूट अच्छी खासी मिल गई है। एक ए टी सी है, इसको लगा देते हैं। तो चलो ये लग गया है और इस सारा बेस को तोड़ देते हैं। और क्या करेंगे इस बेस का, नहीं कोई एनिमी आएगा वो रेड कर कर इसकी लूट ले जाएगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलो इसको डिमोलाइज करते हैं, सारी चीज़ में डिमोलाइज कर दी है। ये थोड़े स्ट्रायंगल फाउंडेशन रह गए थे इन्हें भी हटाते हैं। तो गाइस देखो ये गेम डेड हो चुका है, मतलब अभी भी अच्छा है गेम बट इसमें हैकर बहुत हो चुके हैं, बहुत स्क्रिप्ट बिक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरी डिवाइस तो बेवजह ही बैन हो गई पता नहीं क्यों। तो देख लो गाइस लूट बहुत गनी थी यहाँ पर, तो मैं सारी लूट ले नहीं पाया और मेरा नेट भी चला गया था। नेट तो नहीं गया बट ये गेम डिसकनेक्ट हो गया था, सर्वर डिसकनेक्ट हो जाता है कई बार। तो चलो यहाँ पर क्लोथ वगैरह ले लेते हैं, काम आएंगे हमारे। सिरिंज ले लेते हैं, सिरिंज बहुत है, सिरिंज की कमी भी थी। तो चलो सिरिंज मिल गई अच्छी बात है, हम सब अब सिरिंज यूज कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कोई हिट करने की कोशिश करेगा। तो गाइस चलो ये रेड तो हो गई है और यहाँ पर देखो आयरन और सल्फर, भाई साहब दबाए क्या कदी। तो गाइस ये अच्छा है। और गाइस ये बेस रेड हो चुका था पहले, तो जब इसकी लूट हमें पूरी मिल नहीं पाई। तो चलो इनको संभालते हैं। तो देख लो गाइस 8,000 आयरन वगैरह है, 8,000 वुड है। तो बैंडेज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमें लार्ज स्टोरेज की ज़रूरत थी बट वो वर्क बेंच नहीं थी तो दिक्कत हो गई। और मेरा ये डिस्कॉर्ड भी ग्लिच करने लग रहा था। तो अब मेरा यार
सर्वर डिसकनेक्ट हो गया है यहाँ पर और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं दोबारा इसे लोड लूड कर कर आया वापसी, बड़ा पंगा हो गया मेरे साथ। और इतनी देर में पता नहीं बंदे आए कर बेस बना दिया, क्या कर दिया देखना आप। और मेरा गेम के बीच में भी डिसकनेक्ट हो गया था एक दो बार, तो उसके लिए सॉरी। और चलो हम स्पॉन होने वाले हैं, वापसी आ गए हैं। देखो मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ हूँ और इन्होंने बेस भी तैयार कर दिया है और ये हमारा हेलीकॉप्टर इन्होंने पीछे ही छोड़ दिया है। और ये देखो बंदे भागने लग रहे इधर उधर, ये हमारा काल। तो चलो अपनी लूट में इन बक्सों में टेक देता हूँ अभी। तो देख लो गाइस, लूट बहुत घनी मिली थी मुझे और बहुत अच्छी लूट थी, अच्छा लगा, ऐसी लूट मिलती रहनी चाहिए। तो चलो अब ऊपर की साइड चलते हैं, उड़कर उनके बेस के ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं पहले कोई है या नहीं। तो यहाँ पर गाइस सारे बंदे DR-18 विनोद पटेल, और गाइस साइड से फायर हो रहा था, तो मैं जाकर देखता हूँ कौन कहाँ है। तो ऊपर एक दो तो ट्रंट लगी हुई है और शॉर्ट गन ट्रैप है। तो गाइज आप बताना मुझे कमेंट पर आप किस टाइप की वीडियो चाहते हो, टिप्स एंड ट्रिक वगैरह की या फिर रेड की। अगर मैं दूसरा फ़ोन से बनाऊँ उसमें अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो बहुत लैग होता है, बहुत ही बहुत लैग होता है। ये थोड़ा सा लैग कम होता है वैसे, इतना ही है, बट लैग ये भी होता है। आप देख लो बूम रेड स्टार्ट हो चुकी है, तो रेड में ही मजा आएगा। इधर ये आयरन का बेस है तो इस पर कम से कम 12 हैंडमेड लगते हैं, 10-12 लगते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए खेले। और मैंने सोचा कि कई बंदे कह ही रहे थे कि लास्ट डे की वीडियो लाओ, तो मैं ला रहा हूँ लास्ट डे की वीडियो। ये वीडियो शाम तक आ जाएगी, ये कल ही अपलोड होगी, 12 बजे आएगी कल। करेक्ट 12 तो वो पता नहीं आए ना आए, बट हाँ 12 बजे आ जाएगी। तो यहाँ पर फाउंडेशन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पोर्ट मिले हमें। तो चलो हमें इसी स्पोर्ट की ज़रूरत थी। और गाइस देखो इनका बेस तो थोड़ा यूनिक सा था, बट बम के सामने इनका बेस कहाँ टिकने वाला है। और ये बंदे घर से बाहर निकलते हैं और दूर जाकर मारते हैं। ऑनलाइन रेड थी गाइस, जैसी बातें हम ऑफलाइन कर रहे थे ऑनलाइन थी। इनके 3-4 बंदे ऑनलाइन थे, बट दो तो निकल के नहीं आए और 2 आ रहे थे और वे मर रहे थे, बस इतना ही हो रहा था। और हमारी पूरी लीजन तो ऑनलाइन नहीं थी, और भी बंदे थे वो भी ऑनलाइन थे। तो चलो इसके हो गई है बम फिनिश, मैं लगा देता शायद जाकर। तो चलो मैं लगा देता हूँ अपने 6 हैंडमेड, तो मैंने अपने सारे हैंडमेड लगा दिए। तो यहाँ पर पता नहीं कहीं किसी किसी के दोस्त आए हुए हैं। नेक्सस का तो फ़ोन हैंग नहीं होता क्योंकि वो भाई आईपैड से आ जाता है, और हमारी कहाँ औकात आईपैड की। मजाक कर रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ लेने को तो, बट घर के दुआते नहीं है पता नहीं क्यों। छोड़ दो इन चीज़ों को, तो अगर आप दुआ सको तो आप दुआ ना, आपके पास भी कहाँ ही इतने रुपए होंगे। चलो कोई नहीं, आएगा रोज, हफ्ते में एक वीडियो आ जाया करेगा लास्ट डे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैं आपसे एक थोड़ी मीम वगैरह और फ्री फायर मोंटेज डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई कंटेंट बचा नहीं अभी। तो देखो फायरिंग कर रहा है बंदर, मैं देख रहा हूँ कहाँ है वो, पीछे एक साइड था बट वो ज़ॉम्बी था। तो देखो एक बंदा वो रहा, और मैंने भी अपनी इस क्यूबिजेड पर 8x लगा रखा है। आवाज़ में आपको थोड़ा चेंजमेंट लग रहा होगा क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, कैसे जाए, स्टेयर सीढ़ी है नहीं। ये बंदा नीचे बैठ गया, अब जा सकते थे नीचे। और गाइज मैंने गलती करी, मैं इनके साथ साथ ऊपर चला गया और फिर रॉकेट सेल पीछे से इन्होंने दबा दिया और वहीं पर फिनिश हो गया। और कोई रिवाइव देने नहीं आता, रिवाइव देने आया था फिर मैं इतने मर लिया। देखो वो दूसरे बंदे को रिवाइव देने लगा और आरकाल भी भागकर दूसरी साइड चला गया, पता नहीं क्या है। ये बंदा कह रहा वेट फॉर मी,
ये बंदा रिवाइव दे देता, बट मेरा मैं टीम लीव करने के चक्कर में और नेट काम नहीं कर रहा था तो मैं मर गया। चलो कोई नहीं, वापसी आते हैं। और जब तक मैं वापसी आता हूँ गाइस, ये सब कुछ फिनिश करे रखते हैं, मतलब रेड इनकी डन रहती है कती। तो देखो मैं आ गया हूँ और इन्होंने बेस को भी अभी अभी तोड़ा है कती, जस्ट हल्का सा। और देखो ऊपर की साइड भी घनी चीज़ लगी हुई है। और देखो मेरा लोडिंग ले रहा है, मतलब कि नेट सही काम नहीं कर रहा है। और देखो अब हम आ चुके हैं और इन्होंने बेस कंप्लीट तोड़ दिया है। तो गाइस देखो लंचर पाँच अटेम्प्ट, सेमटिक राइफल, पता नहीं क्या क्या है। और मेरा हैवी गेम लोड भी नहीं हुआ था और मैं रात को शूट कर रहा था, तो नेट की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी हो रही थी। और यहाँ पर सीडी वगैरह मिली है जो पता नहीं क्या काम आती है, एमओ है दबा के। तो गाइज इस लूट को तो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो गाइज देखो आयरन माइन तो छिकुमा है यहाँ पर, वो बंदे फिर बाद में वापसी आते और हमें इनकी गन से मारते हैं उठाकर। और हम सोचते हैं ये वैसे बंदे हैं, वो एलिज नहीं होते हैं, तो कंफ्यूजन हो गया था गाइज। सो दिक्कत हुई, नहीं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। आप लूट देखो, लंचर लंचर पड़े हैं, स्टील आर्मर है, तो हम भी ले लेते हैं अपने लिए। तो देख लो गाइस वुड पड़ी है दुनिया भर की, तो दिखाता हूँ मैं। और ये शायद देखो ये बंदा पीछे से आ गया ना, रूपाल करके कुछ है। और ये बंदे मार भी नहीं रहे, लूटने में बिजी हो रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, हम एक बार वापसी आएंगे, फिर से कोई रिवाइव देता है तो ठीक है। तो चलो मर जाते हैं और तो क्या। तो चलो वापसी आ गए, उन सबको बंदों को फिनिश कर दिया है। और देख लो लूट, आर्मर तो दुनिया भर के, आर्मर मैं लेता नहीं बट मेरे पास थे भी नहीं तो मैं लेने पड़े। और गाइस ये दो तीन बार आए थे बंदे, हमने इनका दूर तक पीछा किया था बट ये भाग गए, फिर पता नहीं कहाँ भाग कर गए बट चले गए। तो यहाँ पर स्टील बूट ही ले लेते हैं। तो गाइस लूट दुनिया भर की मिली है हमें इस बेस से, कती बेनिफिट वो रहा है। तो चलो देखते हैं और कुछ है यहाँ पर, तो लेते हैं उसे। तो यहाँ पर देखो शॉट गन पड़ी है, खाना पड़ा है गनाई। तो चलो शॉट गन उठा लेते हैं। तो घनी लूट मिली है गाइज हमें। और गाइज देखो इसने तो वो चेस्ट रख दिए विनोद ने तो। तो चल देखते इसने इसमें क्या रखा, इसने इसमें डिस्क रखी है वो सीडी। चलो बढ़िया। तो गाइज रेड तो बस इतनी ही थी, अब मैं आपको बेस की लूट दिखाता हूँ बेस पर जाकर। यहाँ पर तो छोटी मोटी लूट है, रियल लूट तो बेस पर ही दिखेगी। तो गाइज हम आ चुके हैं बेस पर और मैं आपको लूट दिखा देता हूँ। ये सब बंदे ऑफ जा चुके हैं। तो यहाँ पर पीटर है, पीटर के बैग में लूट देख लो गाइज, दुनिया भर की लूट मिली थी हमें, तो इस पर वैसे तो इसे मिला नहीं होगा। तो गाइज चलो फिर से चलते हैं एक बार और मैं दिखाता हूँ, मैंने चेस्ट चेक नहीं करवाई शायद। और ये देख लो, तो हमारे पास पॉइंट दुनिया भर के हो गए थे। लंचर देख लो, शॉटगन, बॉम्ब देख लो गाइस, आप बॉम्ब की तो कमी नहीं है लिटरली, तो मज़े आ गए इस रेड में तो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, टेंशन मत लेना, एक हफ्ते का टाइम दो मुझे, मैं एक हफ्ते में अपने दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करूँगा और उससे आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक और अच्छी वीडियो बना कर लाऊँगा। आप कैसे बग फर्नेस को काउंटर रेड कर सकते हो मैं उसके बारे में बताऊंगा, देखना मज़ा आएगा। तो लूट देख लो आप हमारी इतनी, देखो यहाँ पर एक MG4 पड़ी हमारे पास, तो अच्छी लूट है मेरे पास। दो एक हेलीकॉप्टर, एक गाड़ी पड़ी है अभी फ़िलहाल क्यू में, मतलब कि वो मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ।
हमारे पास सेल बहुत घने हैं, तो मैंने कुछ बम ले लिए रेड करने के लिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ऑलवेज देखिए रास्ते पे, नहीं पढ़ना फीका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।